गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के स्टूडियो लेक्चर पे हम जीरो चैप्टर्स के अगले टॉपिक को कवर करेंगे जो है यूज ऑफ विल। विल इज एक्चुअली हेल्पिंग ऑफ अ फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस, बट वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर राइट नाउ, वी आर जस्ट मेकिंग अवर बेस टू स्पीक इंग्लिश। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विल का इस्तेमाल जो होता है ये सारे सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है। जनरली आई ओ वी के साथ शैल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल सबके साथ चलता है। तो अब देखिए, विल यू कम्प्लीट योर होमवर्क, विल यू कम्प्लीट योर होमवर्क, यहाँ पे विल का मतलब क्या होगा, क्या, यू मतलब आप, कम्प्लीट मतलब पूरा करेंगे, योर मतलब अपना, होमवर्क मतलब गृह कार्य। विल यू कम्प्लीट योर होमवर्क, क्या आप अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। अगर आप उसको, मैं बेसिक क्लास में बताया था कि योर को हम चेंज करते हैं माई में और माई को चेंज करते हैं योर में। यू शुरू में सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यू को चेंज करते हैं आई में और आई को चेंज करते हैं यू में, ठीक है। अगर यू वाक्यों के बीच में या लास्ट में आता है तो यू को चेंज करते हैं मी में और मी को चेंज करते हैं यू में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अब जो मैं बोलता हूँ इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, बिकॉज आई अवॉइड राइटिंग, दैट्स आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, सो यू कैन राइट। विल यू कम्प्लीट योर होमवर्क, छह तरीके से आंसर देंगे, येस आई विल कम्प्लीट माई होमवर्क। नेगेटिव में क्या आंसर देंगे, नो आई विल नॉट कम्प्लीट माई होमवर्क। विल यू स्पीक इंग्लिश, येस आई विल स्पीक इंग्लिश, नो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। इन शॉर्ट, येस आई विल, इन नेगेटिव, नो आई वॉन्ट, देन येस एंड नो। इन दिस वे यू कैन आंसर एनी इंग्लिश क्वेश्चन इन सिक्स पॉसिबल ways. Let's understand sentence in Hindi also. Will you go to market? क्या आप बाजार जाएंगे? Yes, I will go to market. हाँ, मैं बाजार जाऊंगा. No, I will not go to market. नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा. In short, yes, I will. In negative, no, I won't. Then yes and no. इस तरीके से आप किसी भी question का answer दे सकते हैं. कुछ और example देखते हैं. Will your mother कुक फूड फॉर यू, क्या आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाएंगी? येस माई मदर विल कुक फूड फॉर मी, नो माई मदर विल नॉट कुक फूड फॉर मी, नहीं मेरी मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगी। येस शी विल, हाँ वो बनाएंगी, नो शी वॉन्ट, देन यस एंड नो। अब ये सी कहाँ से आया, क्योंकि माई मदर जो है ये थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर नंबर। ज़्यादा ग्रामर का डीप में नहीं जाना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पोकन बेसिक प्योर स्पोकन इंग्लिश, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश विदाउट फोकसिंग अ लॉट ऑन ग्रामर, ओके। सो नाउ आई विल बी गिविंग यू सम एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, आर यू कैन राइट इन योर कॉपी ऑल्सो। इफ़ यू आर अ न्यू लर्नर, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल वसीमुल्ला खान गारंटेड कोचिंग क्लास बिलासपुर। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी to educate the people free of cost sitting at their home, English at their doorstep. So, not wasting time, come to the point. Will you do one thing for me? You can answer in two ways. Yes, I will do one thing for you. No, I will not do one thing for you. Will she accept your proposal? Yes, she will accept my proposal. No, she will not accept my proposal. Will you teach him a very good lesson? Yes, I will teach him a very good lesson. No, I will not teach him a very good lesson. Will you talk to me tomorrow? Yes, I will talk to you tomorrow. No, I will not talk to you tomorrow. Will you fulfill your target? Yes, I will fulfill my target. No, I will not fulfill my target. Will you help Monica? Yes, I will help Monica. No, I will not help Monica. Will you earn lot of money? Yes, I will earn lot of money. No, I will not earn lot of money. Will you answer my questions? Yes, I will answer your questions. No, I will not answer your questions. Will you buy a car next month? Yes, I will buy a car next month. No,
आई विल नॉट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ. विल यू कंप्लीट योर होमवर्क? यस आई विल कंप्लीट माय होमवर्क. नो आई विल नॉट कंप्लीट माय होमवर्क. विल यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फास्ट? यस आई विल क्लियर माय कॉन्सेप्ट फास्ट. नो आई विल नॉट क्लियर माय कॉन्सेप्ट फास्ट. विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? यस आई विल इम्प्रूव माय इंग्लिश. नो आई विल नॉट इम्प्रूव माय इंग्लिश. विल राहुल कॉल यू? यस राहुल विल कॉल मी. नो राहुल विल नॉट कॉल मी. विल सी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश? यस शी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. नो शी विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. विल मोहन बाय अ होंडा सिटी कार? यस मोहन विल बाय अ होंडा सिटी कार. नो मोहन विल नॉट बाय अ होंडा सिटी कार. विल योर मदर वेट फॉर यू? यस माय मदर विल वेट फॉर मी. नो माय मदर विल नॉट वेट फॉर मी. विल यू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी? यस आई विल मेक माय पेरेंट्स हैप्पी. नो आई विल नॉट मेक माय पेरेंट्स हैप्पी. विल यू लिसन दैट स्टोरी? यस आई विल लिसन दैट स्टोरी. नो आई विल नॉट लिसन दैट स्टोरी. विल ही डू दैट वर्क राइट नाउ? यस ही विल डू दैट वर्क राइट नाउ. नो ही विल नॉट डू दैट वर्क राइट नाउ. विल मोना चेंज हर पेन? यस मोना विल चेंज हर पेन. नो मोना विल नॉट चेंज हर पेन. विल योर सिस्टर लाइक योर प्रपोजल? यस माई सिस्टर विल लाइक माई प्रपोजल. नो माई सिस्टर विल नॉट लाइक माई प्रपोजल. विल दैट बॉय प्ले फुटबॉल विथ यू? यस दैट बॉय विल प्ले फुटबॉल विथ मी. नो दैट बॉय विल नॉट प्ले फुटबॉल विथ मी. विल राहुल पे हिज फीस टुमारो? यस राहुल विल पे हिज फीस टुमारो. नो राहुल विल नॉट पे हिज फीस टुमारो. विल यू काउंट द स्टार्स? यस आई विल काउंट द स्टार्स. नो आई विल नॉट काउंट द स्टार्स. विल ही गिव यू गुड रिस्पॉन्स? यस ही विल गिव मी गुड रिस्पॉन्स. नो ही विल नॉट गिव मी गुड रिस्पॉन्स. विल मोना टॉक टू यू इन इंग्लिश? यस मोना विल टॉक टू मी इन इंग्लिश. नो मोना विल नॉट टॉक टू मी इन इंग्लिश. विल यू स्टे इन अ होटल? यस आई विल स्टे इन अ होटल. नो आई विल नॉट स्टे इन अ होटल. विल दैट गर्ल डांस ऑन द स्टेज? यस दैट गर्ल विल डांस ऑन द स्टेज. नो दैट गर्ल विल नॉट डांस ऑन द स्टेज. विल दैट गर्ल राइट एन एप्लीकेशन? यस दैट गर्ल विल राइट एन एप्लीकेशन. नो दैट गर्ल विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन. ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है हिंदी में गागी के मतलब आते. विल यू कॉल योर मदर? क्या आप अपनी मम्मी को बुलाएंगे? यस आई विल कॉल माय मदर. हाँ मैं मम्मी को बुलाऊंगा. नो आई विल नॉट कॉल माय मदर. नहीं मैं अपनी मम्मी को नहीं बुलाऊंगा. यस आई विल हाँ मैं बुलाऊंगा. नो आई वॉन्ट नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा. यस एंड नो. इन दिस वे यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली विदाउट लर्निंग अ लॉट ऑफ ग्रामर. Reading 10, 20 books of English grammar, you will be bored and you will not be able to learn English after learning the rule and regulation of grammar. That's why whatever my techniques are that are totally practical, whatever I have observed within my 20 year experience of teaching English, I have trained the people from class 3rd onwards to the PhD level. That's why English is the name of practice. It's not a theory subject, my dear learners. It's a 100% practical subject.
इफ यू ट्रेन योर टंग, इफ यू ट्रेन योर ईयर्स, इफ यू ट्रेन योर ब्रेन, देन नोबडी इन द वर्ल्ड वुड बी able to stop you in speaking English. But if you don't have developed these skills, I assure you, I challenge you that you can never speak English. That's why follow me, practice with me. If you can write this example, you can write. अगर आपको लगता है कि example को आप बोल के copy में लिख सकते हैं, उसकी practice करिए, और आप interested हैं तो मुझे अलग से जो है 9827482955 में मुझे WhatsApp करिए, मैं आपको इसके PDF कॉपी भी दे दूंगा, PDF फाइल, जिससे आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए. क्योंकि आज हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन घर में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से और नॉर्मल स्कूल में भी इंग्लिश ना बोलने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. उनको सारी चीज़ को रटना पड़ता है. अगर यही चीज़ पेरेंट्स घर में इंग्लिश बोलें और उनके स्कूलों में इंग्लिश बोली जाए, एवरीथिंग बिकम इजी. सो द स्टूडेंट विल नॉट हैव टू क्रैम लाइक अ पैरट. दे विल अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दे विल राइट इन देयर ओन वर्ड्स. फॉर दैट पेरेंट कोऑपरेशन इज 100% एसेंशियल, बिकॉज मदर इज कॉल्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड. दैट्स व्हाई इन माय स्कूल, इलाहाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन, I call the parents to come here to join my spoken English class free of cost, so that when they are graduate and postgraduate, when they are trained, they just teach their words at their home, so it becomes very easy. 2 and 2 makes 4. दो और दो मिलकर चार होते हैं. When the parents, staff, and the management and the principal all are working, then you can see the difference, and I have seen that because being a Hindi medium student. It was very tough task for me to speak English because I was living in a backward village where there was no electricity. When I was a student of 9, 10th, 11 and 12, I completed my education from Government Higher Secondary School and Government High School, Uttar Pradesh, Fatehpur District, Kakreru and Jairampur Inter College. At that time, situation was not so good, but I was very much determined that a day will come when I will get fluency in English and I will train the people to speak English. And the day has come, the days have come when I came to Bilaspur in 2001. Since then, I started a coaching center as the name of Guaranteed Coaching Classes, and I am teaching and I am running a school also as Allahabad School of Education for Pure Islamic School, a CBSE pattern. Every year I'm expanding this school. So not talking all these things unnecessary. Now come to the point. Now I will speak some examples with the situation. Right now it was for the practice, whether you have to answer with yes or no, all the question. But right now, after understanding the matter, after understanding the meaning of the sentence, you have to answer. Okay? Yes. Come on. Come to the point. Please share and like this video if you are interested to learn English. And share this video among your friends, relatives and colleagues. Thank you very much. Will you call your brother tomorrow? Yes. I will call my brother tomorrow. Will you speak natural English? Yes. I will speak natural English. Will you attend the function? No, I will not attend the function. Will you sing a song in English? Yes, I will sing a song in English. Will you defame your parents? No, I will not defame my parents. Will you speak English confidently after some time? Yes, I will speak English confidently after some time. Will you progress a lot in future? Yes, I will progress a lot in future. Will you improve your English writing? Yes, I will improve my English writing. Will Rahul join spoken English class? Yes, Rahul will join spoken English class. Will you talk to them in English? Yes, I will talk to them in English. Will those boys pay attention in learning English? Yes, those boys will pay attention in learning English. Will madam check your copy? Yes, madam will check my copy. Will you play in the ground? Yes, I will play in the ground. Will you take your lunch on time? Yes, I will take my lunch on time. Will you improve your video quality in future? Yes, I will improve my video quality in future. Will you help your mother in cooking food?
Yes, definitely. I will help my mother in cooking food. Will you clear your doubt? Yes, I will clear my doubt. Will you behave well in the class? Yes, I will behave well in the class. Will you open the door? No, I will not open the door. Will you close the door? Yes, I will close the door. Will you knock the door before going anyone's house? Yes, I will knock the door before going anyone's house. Will you attend the function day after tomorrow? No, I will not attend the function day after tomorrow. Will you stay at home because of lockdown and coronavirus? Yes, I will stay at home because of lockdown and coronavirus. Will you continue your education online? Yes, I will continue my education online. Will you tease your parents? No, I will not tease satana pareshan karna. No, I will not tease my parents. Will you continue my classes after the lockdown? Yes, I will continue your classes after the lockdown. Will you improve your spoken part day by day? Yes, I will improve my spoken part day by day. Will your sister dance on the stage? No, my sister will not dance on the stage. Will you share this video? Promise. Yes, I will share this video. Will you like this video? Yes, I will like this video. इस तरीके से आप चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मीनिंग जानना जरूरी रहता है हिंदी में क्या कहते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए टंग ट्रेन नहीं होती, तो ये जो मेरा मीडियम है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच का रास्ता है. इन दिस वे नॉट ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट ऑल्सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन डेवलप देयर फ्लुएंसी विदाउट एनी ट्रांसलेशन, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक. अ डे विल कम व्हेन दे विल स्पीक नॉन स्टॉप इंग्लिश एंड दे कैन इंप्रूव शॉर्टली. इफ आई कैन आई व्हाई कांट यू. This must be your concept. Thank you very much for watching this video carefully. See you again in the next video.